इच्छा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि टीचर की क्लास लेने के चक्कर में तुम्हारी क्लास ना लग जाए, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब उस टीचर को इतना डराओ कि वो स्कूल से क्या घर से भी भाग जाए। क्या हुआ इच्छा? घर पर, ये सही रहेगा। तुझे मैडम का घर तो पता है ना? हाँ पता है। ये इंसान इतना हमसे किस बात के लिए नाराज है? इनमें इतना गुस्सा क्यों है हमारे प्रति? हाँ, अभी हमारी इच्छा उस महिला से कितने प्रेम से बात कर रही थी। गुरुजी, यही तो मैं कहती हूँ कि इंसानों को प्यार की भाषा नहीं समझ में आती है। अब देखिए ना, इच्छा जैसी भली सपोली से कैसे गुस्से से बात कर रही थी वो। मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो बर्दाश्त करना सीखो। हर समस्या का समाधान लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी आपने। आत्मसम्मान की लड़ाई में कभी कभी अपमान भी होता है। इच्छा अभी तक अपने इस अभियान में जिस तरह से सफलता अर्जित करती आई है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी वो अवश्य सफल होगी। इसलिए सपोली, गुस्सा मत करो, बस इच्छा के लिए मंगल कामनाएं करो। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। अचानक कहां चली गई आज? कोई तरीका होता है बिना बताए जाने का? आ जाने दो उसे। बबन जी। अरे तुम आ गई, मतलब तुम पे चली गई थी क्या? हाँ गई थी, तभी तो आई हूँ। हाँ वो तो है। आप मेरा इंतजार कर रहे थे? नहीं। हाँ नहीं, मतलब मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करूंगा? ठीक है तो मैं चलूं। जाओ। रुको जी। बोलिए। इच्छा तुमने बताया नहीं। क्या? वही तोहफे के बारे में। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पसंद क्या है? बब्बल जी, आपकी पसंद मुझे ना पसंद हो ही नहीं सकती। आखिर आपने मुझे चुना है? क्या तोहफा देने के लिए? आप जो भी लाएंगे मुझे अच्छा ही लगेगा। अच्छा, इतना यकीन है मुझ पे? हाँ, आपको नहीं है तो तोहफा देकर देख लीजिए। हाँ वैसा ही कर लेते हैं। भाई तू जब भी दिखे इस इच्छा के आसपास दिखे है, कुछ खास बात है के? हाँ बब्बल जी, मुझे तोहफा देना चाहते हैं। लाइए ना बब्बल जी, क्या लेकर आए? नहीं मैं सिर्फ पूछ रहा था कि किसे क्या चाहिए दिवाली पे। वो दादी दिवाली पे सबको गिफ्ट देती है ना। भाई वो सब छोड़, हमें तुझसे कुछ खास बात करनी है। भैया बाद में बात करते हैं ना। नहीं बाद में, मैं भूल जाऊंगा, अभी करनी है। अरे हमने तेरे लिए कुछ खरीदा है, जल्दी से अपनी आंख बंद कर और चल हमारे साथ। भैया अगर आंखें बंद करूंगा तो चलूंगा कैसे? पैरों से। मेरी लाल किताब में साफ साफ लिखा है कि इंसान अपने पैरों से चलता है। ये ले, जल्दी से पढ़ के याद कर ले। भैया आइडिया तो कमाल है, लेकिन अगर चलते हुए मुझे ठोकर लग गई तो? हाँ मुझे पता था ये सवाल जरूर उठेगा। सबल उठा ले। अरे ऐसे कैसे उठा लूं, कम से कम 40-50 किलो की तो होगी। मुझे कोई दिक्कत ना है, लेकिन इच्छा को उठा के क्या फायदा, हमें तो बब्बल से बात करनी है ना। अरे बब्बल को उठा ले। अरे क्यों भैया? मैं चला रहा हूँ अपने भैया क्या कर? कसम जहर के आखिरी बूंद की, तुझमें जिगर तो बहुत है लेकिन अकल बिल्कुल नहीं है। तुझे क्या लगा मैंने तुझे भागने दिया? मुझे कोई उल्लू नहीं बना सकता। अरे तुझे मैंने जानबूझकर भागने दिया, तू भागा सीधा अपने परिवार की ओर भागा। और देख, तुझे पता भी नहीं चला कि तूने अनजाने में हमें अपने घर का रास्ता दिया है। सिर्फ रास्ता जानने से कुछ नहीं होता, तुम लोग मेरे घर वालों तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। बच्चे तू विशैली को भी जानता नहीं, उसने अब तक रास्ता पता कर भी लिया होगा। कुछ चाहिए तुमसे? क्या
वो जो आदमी तुम्हारे साथ खाना खा रहा था, बस उसी का पता चाहिए था। तुम हो कौन? खूबसूरत औरतों से सवाल नहीं पूछते, उनके सवालों का जवाब देते हैं। मुझसे ये सब नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए कस्टमर भगवान है। गुस्सा मत दिला। जय राम जी की। अब बता, तुझे अपना कस्टमर प्यारा है या अपनी जान? रोहतक में गुस्से नहीं खाऊं। कि इच्छाधारी सांप सिर्फ कहानी में नहीं, असलियत में भी होते हैं। हाँ, हाँ, होते हैं तो मुझे डराने क्यों आई? मुझे समझाने की क्या जरूरत है? डरो नहीं, ये लो दिवाली का तोहफा। दूर रहो, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। दूर होने की वजह से तो आप में और हम में इतनी नफरत और भेदभाव आ गए हैं, लेकिन अब ये नफरत मिटेगी। ये दिवाली हम साथ मिलकर मनाएंगे और सारी दुनिया मिटा देंगे। और वैसे भी दिवाली तो बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाई जाती है ना। आप कहती है ना सांप जहरीले होते हैं, सही कहते हैं, लेकिन सांप किसी को बिना वजह नहीं काटते। सांपों के हजारों सालों का इतिहास है और उसके अनुसार सांप शांति प्रिय जीव है। दिवाली की ढेर ढेर शुभकामनाएं। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? कहो तो डस के दिखाओ। अरे अरे, मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, पर याद है ना? हाँ, इच्छाधारी सांप होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। मैं सपना तो नहीं देख रही? गिफ्ट देकर गई है। अच्छा है, तोहफा मिल गया तो विचार बदल गए। ऐसे तो सांपों की बुराई करती नहीं थकती, आज सांप अपने लगने लगे। बच्चों को हमारे बारे में गलत छवि दिखाती हो ना, ये आखिरी चेतावनी है। आज के बाद सांपों के बारे में कुछ गलत बोला ना तो ऐसा डसूंगी कि तुम्हारे घर वाले दिवाली नहीं तुम्हारा शोक मनाएंगे। मैं इच्छा हूँ, अप्पू की दीदी। ऐसे आंखें मत दिखा। मैं दूध पीती बच्ची नहीं, बल्कि दूध पीती नागिन। क्या सिखा दिया स्कूल में बच्चों को? आस्तीन का सांप, सांप निकल गया लकीर पीटते रह गए। मतलब सांप को पीटना था तो आप पीटो मुझे। आज के बाद अपना मुंह संभाल कर खोलना हमारे खिलाफ, क्योंकि अगर मेरा खुला ना तो तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, समझे? अब होगा घमासान। जा इच्छा, बचा सकती है तो बचा ले अपना प्यार। तो कमाल ही कर दिया। अप्पू, क्या क्या कर रहा है? हम बातें कर रहे थे। हाँ ठीक है, वो तो तुम अंदर। साँग, साँग! अरे अप्पू छोड़ो से! अरे अप्पू क्या कर रहा है, छोड़ो से! वाकू को भी चैन नहीं है। अप्पू चाचू, ये सांप तो नकली है, नकली है, नकली है। नकली है? मैं भी इसे छोड़कर आता हूँ। मेरा मतलब है कि कमरे में रखकर आता हूँ।
क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों? रास की बातें। क्यों? अभी अप्पू ने बताया आप उससे मेरे बारे में पूछ रहे थे। हाँ पूछ रहा था, हालचाल पूछ रहा था। तो मैं आपके हालचाल अप्पू से नहीं पूछ सकती? मुझसे भी तो पूछ सकती हो। जब आप मुझसे मेरे हालचाल नहीं पूछ रहे तो मैं आपसे सीधा सीधा कैसे पूछ लूं? तुम बहस बहुत करती हो। अकेली नहीं कर सकती ना। मतलब मैं बहस करता हूँ? मैं बहस करता हूँ? देखो आज के बाद तुम्हें जो भी पूछना है ना वो तुम मुझसे सीधे सीधे आके पूछना। जी ठीक है, एक सवाल पूछू? पूछो ना। आप सबल भैया और प्रबल भैया से इतने नाराज क्यों है? छोड़ो, गिर जाओगे। गुड नाइट। गुड नाइट। इच्छा कंट्रोल कर अपने आप को। पर क्या करूं, कंट्रोल ही नहीं होता। अरे हमें बबल को चुपचाप जगाना है, ऐसे शोर करेगा तो वो खुद जाग जाएगा। सॉरी सॉरी भैया, लेकिन हम उसे जगा क्यों रहे हैं? अरे फिर भूल गया, हम पहले इसे जगाएंगे, फिर इसे लेकर फिल्म देखने जाएंगे हैं, और फिर तीनों भाइयों का सोया हुआ प्यार जगाएंगे। हाँ भैया सही है, लेकिन एक काम क्यों ना करते, बब्बल को बेचारे को थोड़ी देर और सोने दो, हम पहले जाते हैं और सीधा प्यार को जगाते हैं ना। अरे ना, ऐसे ना जागेगा, फिल्म देख के जागेगा। अच्छा बड़ा फिल्मी प्यार है। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया, ये सुबह सुबह क्यों जगा रहे हो मुझे? अरे तुझे तो फिर भी जगा रहे हैं, हम तो पूरी रात सोए बिना। क्यों क्यों ना सोए? अरे भाई हम क्यों ना सोए पूरी रात? अरे पूरी रात इसे याद कर रहे थे ना भाई। तू चाहता है ना कि हम खुश रहें? हाँ भैया। छोटे तू आज पूरा दिन हमारे साथ रहेगा, साथ में फिल्म देखने जाएंगे जैसे बचपन में जाते थे। अरे भाई लेकिन हम तीन तो बड़े हो गए हैं, साइकिल तो छोटी रह गई है, तीनों कैसे बैठेंगे उस पे अब? अरे ट्रैक्टर ले चलेंगे ना। हाँ ये सही है, और साइकिल को ट्रैक्टर के ऊपर ही रख लेंगे। लेकिन भैया ये सब अचानक क्यों? अरे ताकि तुझे मना सकें। अरे भाई ये छोटा कोई दिवाली है जो मुझे मनाएंगे? अरे फिर भूल गया, ये हमसे नाराज है ना? नहीं भैया मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तू नाराज है? नहीं भैया मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। देख चिल्ला रहा है नाराज है, बता ना तू हमसे नाराज क्यों है? अरे भैया मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। अरे कोई बात ना, साथ में रहेगा तो कभी ना कभी मान ही लेगा। चल अब चल आ जा। चल चल। किधर, मैं नहाया भी नहीं हूँ अब तक। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है, वहीं तो ले जा रहे हैं तुझे, आज तुझे हम नहलाएंगे। क्या? हाँ देखा खुश हो गया, आज तुझे हम अपने हाथों से नहलाएंगे और तुझे सजाएंगे और फिर फिल्म देखने जाएंगे। नहीं देखा, बोला ना सही। उठाओ। अरे भैया क्या कर रहे हो? अरे बड़ा हो गया हूँ। अरे भैया ना लूंगा मैं तो बड़ा। अरे भैया मम्मा मम्मा क्या कर रहे हो? अप्पू तुमको प्रिंसिपल सर ने बुलाया। प्रिंसिपल सर ने? पर क्यों? वो तो पता नहीं पर जल्दी बुलाया। ठीक है ये रख, मैं खाना मत। मैं कम इन सर। यस कम इन। अप्पू मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे नहीं पता सर आप क्या सुन रहे हो, मैं तो अभी अभी आया। ज्यादा होशियार मत बनो,
तुम अपनी क्लास के बच्चों को ये सांप फ्रेंडली होना सिखा रहे हो? अरे तुम सांपों के बारे में कब से इतना जानने लगे? वो सर, मैं तो बस उनको यही शट अप। पढ़ने में होशियार हो, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी ऊट जलूल बकते जाओ। और ये इच्छाधारी सांप, ये कब से सच होने लगे? अप्पू, मुझे पता है तुम कल किसी अपनी दीदी को लेकर आए थे, जो रात में मीनाक्षी मैडम के घर गई और उसने वहां उन्हें नागिन बन के दिखाया। अब कल तुम्हें अपने पेरेंट्स को लेकर यहां आना पड़ेगा, समझे? नहीं सर, प्लीज मेरे पेरेंट्स को मत बुलाइए सर, प्लीज। अरे वाह, तुम इच्छाधारी सांप को बुला सकते हो और हम तुम्हारे माँ बाप को नहीं बुलाए? वाह, एक बात सुन लो, तुम कल उन्हें बुलाकर लेके आओगे, वरना कल से तुम भी स्कूल मत आना, अंडरस्टैंड? यस सर। सर, सर वो अरे इच्छाधारी सांप नहीं होते मीनाक्षी जी। दो, तीन, सवा तीन। अरे बस माँ, आज के लिए काफी है। अरे अभी तो सवा तीन। दादी, दादी, दादी अपनी आंखें बंद कर, जल्दी मुझे तुझे कुछ दिखाना है। अरे मैं आंखें बंद करूंगी तो देखूंगी कैसा। बात तो तेरी सही है दादी, लेकिन आंख तो बंद करनी पड़ेगी ना, वरना सरप्राइज कैसे देखेगी तू? दादी, आज हम तीनों भाई साथ में मिलके तीनों फिल्म देखने जा रहे हैं। तीन फिल्म देखने की क्या जरूरत है? समझी ना तू दादी, हम तीनों भाई साथ में मिलके तीनों फिल्म देखने जा रहे हैं। अच्छा, तो बब्बल को हमने अपने हाथों से तैयार करा है, जैसे बचपन में करते थे। मतलब यही तो सरप्राइज है दादी। बाबू, तू दादी की आंखें बंद करना, जल्दी बंद कर लीजिए। बबल को बुला के ला। प्रबल भाई, प्रबल भाई, चलो। आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। ब्यूटीफुल छोरियों के लिए होता है और हैंडसम छोरों के लिए होता है। हाँ सही कहा, हैंडपंप हमारे यहाँ छोरे चलाते हैं, छोरी थोड़े चलावे। चला 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 चला, तू पंप चला और सबकी बातें के लिए कर दे। और ये हैंडपंप ना हैंडसम बोल रही है। अरे पिताजी, गलती होगी। गलती बब्बल, तू बहुत लवली लग रहा फेयर होके। भाई, लगता सबको हमारा आइडिया बड़ा पसंद आया है। अरे ना भाई, देखना रहा सब कितने खुश हैं, सबको हमारा आइडिया बहुत पसंद आया है। माँ, अगर चंचल यहाँ होती तो इस मौके पर यही बोलती कि आज मेरा बेटा कार्टून बना है, कल को जोकर बन जाएगा, फिर सर्कस वाले इसे ले जाएंगे और फिर इसको रस्सी पे चलाएंगे और इससे पैसे कमाएंगे। बताओ, बोलना भूल गया। हाँ, अब बताओ। नहीं पिताजी, सिर्फ रस्सियों पे क्यों चलवाएंगे? हो सकता है बबल भैया की बहादुरी को देखकर वो उन्हें शेर का जिम्मा सौंप दे। रप्पू, कैसे लग रहे तेरे चाचू? आज मैंने और तेरे पापा ने मिलकर तेरे चाचा को तैयार करा है।
अरे अप्पू को तो खुश होना चाहिए था, मैं तो सब ठीक कर आई थी। क्या हुआ अप्पू के स्कूल में? कहीं मेरा अभियान अप्पू के लिए मुसीबत ना पैदा कर दे।